साथियों, मेरा तो जाम साहब के परिवार से काफी मिलना जुलना रहा है, मुझ पर उनका अपार स्नेह रहा है। कुछ महीने पहले भी मैं वर्तमान जाम साहब से मिलने गया था। उनके कमरे में पोलैंड से जुड़ी एक तस्वीर आज भी है और मुझे ये देखकर अच्छा लगता है कि जाम साहब के बनाए रास्ते को पोलैंड ने आज भी जीवंत रखा है। दो दशक पहले जब गुजरात में भीषण भूकंप आया था तो जामनगर भी उसकी चपेट में आ गया था। तब पोलैंड सबसे पहले मदद के लिए पहुंचने वाले देशों में से एक था। यहां पोलैंड में भी लोगों ने जाम साहब और उनके परिवार को भरपूर सम्मान दिया है। ये प्यार वर्षों में गुड़ महाराजा स्क्वायर में साफ साफ दिखता है। कुछ देर पहले मुझे भी दोबरे महाराजा मेमोरियल और कोल्हापुर मेमोरियल के दर्शन का सौभाग्य मिला है। इस अविस्मरणीय घड़ी में मैं एक जानकारी भी आपको देना चाहता हूं। भारत जाम साहब मेमोरियल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है। इसके तहत भारत 20 पोलिश युवाओं को हर साल भारत आने के लिए आमंत्रित करेगा। इससे भारत के बारे में पोलैंड के युवाओं को और ज्यादा जानने का मौका मिलेगा। साथियों, यहां का कोल्हापुर मेमोरियल भी कोल्हापुर के महान राजघराने के प्रति पोलैंड की जनता का श्रद्धाभाव है, एक ट्रिब्यूट है। महाराष्ट्राच्या नागरिकांच्या आणि मराठी संस्कृतीच्या प्रति पोलैंडचे नागरिकांनी व्यक्त केलेला हा सम्मान आहे। मराठी संस्कृतीत मानव धर्म आचरणाला सर्वात अधिक प्राधान्य आहे। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा से कोल्हापुर की रॉयल फैमिली ने बलिवड़े में पोलैंड की महिलाओं और बच्चों को शरण दी थी। वहां भी एक बहुत बड़ा कैंप बनाया गया था। पोलैंड की महिलाओं और बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए महाराष्ट्र के लोगों ने दिन रात एक कर दिया था। साथियों, आज ही मुझे मोंटे कैसिनो मेमोरियल पर भी श्रद्धांजलि देने का अवसर मिला है। ये मेमोरियल हजारों भारतीय सैनिकों के बलिदान को भी उनकी भी याद दिलाता है। ये इस बात का भी प्रमाण है कि कैसे विश्व के हर कोने में
भारतीयों ने अपना कर्तव्य निभाया है।